नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से अपने चैनल माही द टेकी पर। तो जैसे कि आप सबके कमेंट्स आ रहे थे कि यार स्मार्ट वॉचेस के अलावा कुछ और भी रिव्यू करो, तो मैंने कहा चलो जो काम की चीज़ें होती हैं, जो लाइफ में काफ़ी यूज़फुल गैजेट्स रहते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ रहती है जो हम सबके काम आ सके, तो कुछ मैं ऐसी चीज़ें यूज़ भी कर रहा था, तो मैंने कहा चलो वही आपको बताता हूँ। तो आज दो आइटम्स को हमने रखा है अपने पास में। एक जो है स्मार्ट वॉचेस के लिए काफ़ी यूज़फुल चीज़ है, क्योंकि हमें चार्जिंग से रिलेटेड हमेशा शिकायत रहती थी कि यार चार्ज कैसे करें स्मार्ट वॉच को, कितना चार्जर होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो उसका हल निकल गया है, एक ऐसा एक्सटेंशन आपके सामने लेकर आया हूँ कि जिसमें तीन USB के पॉइंट हैं और तीनों के तीनों 5 वोल्ट के करंट के हैं, जो कि स्मार्ट वॉचेस को चार्जेस करने के लिए सफिशिएंट रहते हैं और ना उसमें स्मार्ट वॉच को डैमेज होने का भी कोई खतरा रहता है। और दूसरा, जैसे कि हमारे TVs में जो होता है HDMI के जनरली 2 पोर्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन आजकल काफ़ी सारे डिवाइसेज आ गए हैं जो HDMI से चलता है, जैसे कोई गेमिंग कंसोल है, उसके अलावा आपका फायर स्टिक हो गया, या तो फिर आपका जो DTH कनेक्शन हो गया, या और भी कोई आप एक्स्ट्रा डिवाइस लाते तो कम पड़ जाते। तो इसके लिए एक HDMI हब मैंने खरीदा था अमेज़न से, जो मैंने यूज़ किया, तो उसका भी रिव्यू आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो आज ये दो ही चीज़ें हैं जो काफ़ी यूज़फुल होने वाली हैं आपके लिए, डे टू डे लाइफ में काफ़ी प्रैक्टिकल रहती हैं, काफ़ी यूज़फुल रहती हैं। तो चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम ऐसे धमाकेदार वीडियोस आपके सामने और लाते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो देखिए ये है डिवाइस और इसके अंदर आपको अपने जो HDMI पोर्ट है वो सारे इसके अंदर आपको लगा देने हैं। आपको पावर सोर्स से भी उनको कनेक्ट करके रखना है, बात आप ध्यान रखिए, क्योंकि इससे पावर नहीं मिलेगी उनको। जैसे मेरा फायर स्टिक का और DTH का था, ये दोनों मैंने लगा दिए हैं। और इसके बाद इसको HDMI पोर्ट को आपको पीछे TV पे लगाना है। उसके बाद जो भी आपका HDMI पोर्ट वाला जो था उसको आपको ऑन करने, देखिए अभी ये DTH पे आ गए हैं। अब मैं जैसे ही बटन दबाऊंगा ये स्विच हो जाएगा। जी हां, तो ऑटोमेटिक नहीं होता, आपको बटन दबा के स्विच करना पड़ेगा, जैसे हमारी कुछ पुराने ज़माने गेम्स भी रखी हुई थी। तो जैसे ही बटन दबाएंगे आप वो मोड स्विच कर लेगा। तो तीन, जैसे अभी दो लाइट जल रही, क्योंकि मैंने दो डिवाइस लगाई हैं, तीन डिवाइस लगाई हैं तो तीन लाइट जल जाएगी। तो बड़ा इजी टू ऑपरेट है, कोई लैग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मज़ेदार है। तो देखिए ये एक्सटेंशन है, इसमें आप देख सकते हैं तीन नॉर्मल पॉइंट हैं, साथ में इसका पावर बटन है जिससे आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, पूरी करंट की स्पेसिफिकेशन लिखते हैं, और ये तीन USB के इसके पॉइंट हैं जो इसमें दे रखे हैं USB चार्जिंग के, जिनसे आप अपनी स्मार्ट वॉच को चार्ज कर सकते हैं। प्लास्टिक की पूरी इसकी बिल्ड है, हैंग करने के लिए भी इसमें दे रखा है कि आप इसको वॉल पर भी हैंग कर सकते हैं, और मेड इन चाइना आपको पता ही है कि आजकल सारी आइटम वहीं की। और इसकी केबल भी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पावर केबल है ये, प्लग भी जो है इसका वो पावर वाला है, पावर वाले सॉकेट में ही जाके लगेगा। और उसके अलावा जो केबल की लेंथ है लगभग 1.5 मीटर इसकी केबल की लेंथ है, तो लेंथ भी इसकी ठीक है। तो आइए अभी इसको यूज़ करके दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए जैसे कि मैंने पावर ऑन कर दिया, अभी बटन दबाते ही जो है इसमें करंट आ जाएगा एक्सटेंशन में। अब आप अपने डिवाइसेस इसके अंदर लगा सकते हैं, जैसे कि देखिए मैंने ये चार्जर लगाया है मोबाइल फ़ोन का, उसके अलावा तीन स्मार्ट वॉचेज़ भी रख दी हैं जिनको मैं इनके USB के पॉइंट में इंसर्ट करूँगा। और उसके बाद मैं जैसे ही बटन ऑन करूँगा इनकी जो चार्जिंग है शुरू हो जाएगी। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आई है, इजी टू यूज़ था, आप इसको अपनी कन्वीनियंट वाली जगह पर रख सकते हैं और काफ़ी यूज़फुल है। अगर आपके पास ऐसे छोटे छोटे डिवाइसेज हैं काफ़ी, जैसे ईयरबड्स वगैरह हैं, तो आप उनको रख के इसके साथ चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लो करंट आता है। तो आप देख सकते हैं सारी की सारी जो वॉचेज़ हैं उनमें चार्जिंग शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों अगर HDMI हब की बात करते हैं, वो तो मैंने अमेज़ॉन से लिया था तो वहाँ पे अवेलेबल है, बाकी जो एक्सटेंशन है वो मेरे एक्चुअली रिलेशन में किसी का काम है इससे रिलेटेड, तो मैंने वहाँ से ही परचेज़ किया था। तो आप कहेंगे तो ये मैं उनसे लेके आपको कोरियर करा दूंगा, तो उसकी कीमत जो है वो कोरियर चार्जेस वगैरह सब मिला के अराउंड 350 रुपीज़ के आसपास है। और वारंटी वगैरह, खैर ये चाइनीज़ आइटम है, इनकी किसी की होती नहीं है, चाहे वो HDMI हब हो चाहे हमारा एक्सटेंशन हो। लेकिन अभी तक मैं जैसे इसको 1.5 महीने से यूज़ कर रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इसका। और स्मार्ट वॉचेस की मेरी टेंशन ख़त्म हो गई है, वरना एक तो उनकी तार बड़ी छोटी होती है स्मार्ट वॉचेस की, तो कहीं पे लटकाओ अडप्टर के साथ में तो बड़ी दिक्कत है, फिर अडप्टर मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें मेरी तीन स्मार्ट वॉच एक साथ आराम से चार्ज हो जाती है, तो मेरे को इस मामले में बड़ा सुख है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। आप कोई भी और ऐसे सस्ते से गैजेट का रिव्यू कराना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूँगा उसे लेने की और आपके सामने उसका रिव्यू लाने की। मिलेंगे अगले वीडियो में नया रिव्यू, नया कंपैरिजन लेके, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। बाय बाय।